रांची में एक्सट्रीम बार के डीजे संदीप परमाणिक की रविवार रात सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग का वीडियो भी सामने आया था। इसके बाद आरोपी अभिषेक बिहार के गया से गिरफ्तार भी हो गया। लेकिन सवाल यह है कि चुटिया थाना क्षेत्र के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार एंड ग्रिल में रविवार रात ऐसा क्या हुआ कि अभिषेक ने गोली चलाई। बताया जा रहा है कि आरोपी अभिषेक और उसके दोस्त रविवार रात के 10 बजे के बाद शराब पीने पहुंचे थे। रात 10:30 बजे मामूली बात पर विवाद शुरू हुआ। इसके बाद बार मालिक बाउंसर व स्टाफ की गुंडागर्दी दिखी। सब ने मिलकर अभिषेक सिंह की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। बार के अंदर तो मारा ही, बाहर निकलने के बाद भी उसकी पिटाई की गई। बार में लगे कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। इसी घटना के प्रतिशोध में अभिषेक हथियार लेकर बार पहुंचा और डीजे संदीप परमाणिक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं बाहर से बार के शीशे पर भी अंधाधुंध फायरिंग की गई। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि रात के 10:30 बजे विवाद शुरू हुआ। विवाद के कारण को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही है। पुलिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि खाने पीने के दौरान बार के बाउंसर एक कुछ व्यक्ति के बीच मारपीट की घटना हुई थी। बार में उस वक्त मौजूद लोग बताते हैं कि महिला स्टाफ के साथ छेड़खानी की वजह से मारपीट हुई, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। अभिषेक इसलिए भी नाराज था क्योंकि झगड़े के बाद परमाणिक ने गाना बजाना बंद कर दिया था। इसे लेकर भी अभिषेक की बहस हुई थी।